मेदिनी नगर शहर थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के द्वारा कराए गए कविता पाठ प्रतियोगिता में चयनित हुए 18 छात्र और छात्राएं। चयनित सभी छात्र और छात्राओं को पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के द्वारा सरस्वती पूजा के दिन किया गया पुरस्कृत। सभी छात्र और छात्राओं को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और संतावना पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पुरस्कृत छात्र और छात्राएं मेदिनी नगर शहर के विभिन्न स्कूलों और जिले के दूर दराज एरिया जैसे पीपरा, हैदरनगर, नोडिया आदि प्रखंड के छात्र और छात्राएं हुए हैं चयनित। देखिए, बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि पैदा करना मुख्य उद्देश्य यह है। साहित्य जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है, केवल शिक्षण का ही नहीं, जीवन के मतलब कैसे आप जीवन गुजारते हैं। एक आदमी जिसको साहित्य में रुचि है वो बहुत बुरा नहीं हो सकता, ये हम लोग मानते हैं। जो आदमी कवि है वो अच्छा ही होगा, ऐसी धारणा है हमारी। तो हम मानते हैं कि बच्चों में साहित्यिक रुचि अभिरुचि उत्पन्न हो, वो बच्चे कविता पाठ करें, इनका उनके प्रति झुकाव हो, इसके लिए पलामू पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और बच्चों में देखिए, आजकल थोड़ी एक अलग तरह से क्या है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में, जैसे पहले सरकारी स्कूल केवल हुआ करते थे और लोगों का बड़ा ही, आप देखें 15 अगस्त 26 जनवरी पर बड़ा ही फोकस होता था, बच्चे काफ़ी उत्साहित महसूस करते थे। आजकल थोड़ा आधुनिकता के चक्कर में कई बार बहुत सारे स्कूल में उस दृष्टि से उस पर महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो जो देशभक्ति की भावना है, जो बच्चों में जो इनका कोमल हृदय होता है, अमिट छाप पड़ती है, अगर उस समय नहीं हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा देशभक्ति का भाव संचरित हो लोगों के हृदय में, और इसलिए मैंने वैसे कविताओं का ही चयन किया जिसे लोगों को देशभक्ति की भावना उद्बोधन के गीत हों। आगे आएगा तो हम बताएंगे आपको। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।